तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार बजट का आकार 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। सरकार की कोशिश रहेगी कि इस बजट के माध्यम से 2022 के बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जाए। ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। बजट ये ध्यान में रखकर होगा कि उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिले। चर्चा है कि सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर की व्यवस्था कर सकती है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, एक सिलेंडर होली पर और एक सिलेंडर दीपावली पर। यह सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए कहा गया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1,74,83,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं। विभागीय अधिकारी की माने तो इन कनेक्शन धारकों को साल में 2 मुफ्त गैस कनेक्शन देने पर करीब 3600 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट की व्यवस्था होती है तो इस बार होली में इन 2.25 करोड़ परिवारों को एक एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाएगा। वहीं विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार पर भी हमलावर है। कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि ये वादा न इन्होंने पूरा किया है और ना ही जो इनके आका यानी दिल्ली की जो केंद्र सरकार है वहां पर जो बैठे हैं वह पूरा कर पाए। जब उज्ज्वला योजना आई थी तो डिंडोरा पीटा गया था। ये महिलाओं के आंसू पहुंचने की योजना है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के समय 400 रुपए में बिकता था, इन्होंने 2 सब्सिडी देने के बाद सब्सिडी बंद कर दिया। आज ये गैस सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या आज महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आता है जब वह रिफिल कराने जाती हैं? इनका संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए। मैं दावा करती हूं कि ये 10% भी उसमें अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है जो बीजेपी में नहीं है। तो वहीं सपा विधायक व मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी कहा कि मुफ्त गैस सिलेंडर की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि हम लोगों को बहुत ठगा गया है, इसी नाम पर वोट ले लिया गया और सिलेंडर आज तक नहीं मिला। बसपा विधानमंडल के नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि गैस सिलेंडर बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में था। पिछली दीपावली तो दीप बीत गई लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। अब होली आने वाली है। मैं यही कहूंगा कि जो उनका मुफ्त वादा था होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का, कम से कम होली पर गैस का सिलेंडर मिल जाए तो बजट में इसके लिए प्रावधान करें।